बदलाव नहीं है, ये कॉन्ट्रोवर्सीज में मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अदानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट, सो आई वॉन्टेड टू टीच माई स्टूडेंट्स स्किल। उसी के लिए सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर, अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के, तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है। मैं और मेरे कलीग कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कॉन्ट्रोवर्सी में हम जाना क्यों, तो कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया हुआ है। हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है। मेरे डेफिनेटली नुकसान है, मगर कॉन्ट्रोवर्सी से ज्यादा नुकसान नहीं है। तेलंगाना राज्य के जितना कॉन्ट्रोवर्सी में जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान है। इमेज सब कुछ है, तो हमारा इमेज खराब होने के लिए हम एक पैसे का भी हम लोग मौका देने के लिए तैयार नहीं है तेलंगाना राज्य सरकार ने। इसीलिए हम 100 करोड़ रुपए बदली नहीं करने के लिए हम खत लिखा हुआ है अदानी ग्रुप के लिए।